नमस्ते, आप सबका वेलकम है सिमरन की रसोई में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अनोखी सब्जी शेयर करने जा रही हूँ और वो है ताज़े नारियल काजू की सब्जी। अब देखो, आपको सुनने में और देखने में बड़ी अजीब लग रही होगी, मैंने भी ये पहली दफ़ा ही बनाई और खाने में ये बहुत मज़ेदार लगी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। उसके लिए एक नारियल में से आधा नारियल आपको इस्तेमाल करना है। ये ताज़ा नारियल है, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया, लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। गैस को ऑन करके कढ़ाई रख दी है, एक चम्मच इसके अंदर तेल डाल दिया है। जैसे ही गर्म हो जाए ना, तो चौथाई चम्मच जीरा डालकर, दो बारीक कटे हुए प्याज और दो से तीन बारीक कटी हरी मिर्ची डाल दें और अच्छे से इसे भुने। प्याज को ज़्यादा लाल होने तक ना भुने, बस एक से दो मिनट तक भुने। उसके बाद इसके अंदर दो से तीन कटे हुए टमाटर डाल दें और इसे भी दो से तीन मिनट तक भुने ताकि टमाटर नरम हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए। देखिए, दो से तीन मिनट हो गए। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाते हुए लगभग इसे दो से तीन मिनट तक और पकाए ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर फिर भी नमक और मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लगभग मैंने इसे दो से तीन मिनट तक पका लिया। अब इसके अंदर ये कटा हुआ ताज़ा नारियल, साथ ही साथ मैंने इसके अंदर एक कप काजू को मैंने बीच से काट कर डाल दिया। टोटल मैंने एक कप काजू डाले हैं बीच से काट कर, और अच्छे से इसे मिला लेना है। देखिए कुछ इस तरह से, पानी वगैरह इसके अंदर नहीं डालेगा, ये सूखी सब्जी होती है। इसे ढककर धीमी आँच पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए पकाए, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना। लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये ताज़े नारियल काजू की सब्जी बनकर तैयार है। अगर इसे आप गर्मा गर्म गेहूँ के आटे की रोटी के साथ खाएंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट्स बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। थैंक यू।